लिंग का नॉर्मल साइज कितना होना चाहिए, इसके बारे में मैं आज आपसे फिर से बात करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला, यहां पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। हमें जो फोन कॉल आते हैं उसमें 10 में से 3 लोग या 4 लोगों का यही समस्या रहती है, मतलब उनका सवाल ये रहता है कि भाई मेरा लिंग छोटा है और वो बड़ा करने का है, वो छोटा है, दुबला है, पतला है, इस तरह का मतलब टेढ़ा है, ऐसे सवाल आते रहते हैं। एक्चुअली वो उनको गलत फहमी रहती है। लिंग का साइज जो है वो शिथिल अवस्था में, यदि कोई व्यक्ति शिथिल है, रिलैक्स है, उसको सेक्स करने का नहीं है, तो 1 इंच से कम नहीं होना चाहिए। 1 इंच से कम होता है तो प्रॉब्लम है, और 1 इंच से फिर ज़्यादा कितना भी रहा तो भी चलता है। और जब इरेक्शन होता है, जब लिंग में कठोरता आती है, तो डेफिनेटली वो 4-5 इंच तो हो ही जाता है। क्योंकि जब कठोरता आती है तो उसमें एकदम ब्लड फ्लो अंदर घुस जाता है, कम से कम 150 ml 200 ml ब्लड अंदर घुसता है लिंग में, और वो ब्लड अंदर जाने से वो फूल जाता है, तो वो 4-5 इंच लंबा गोलाई में, घेरे में ऐसा हो जाता है। तो ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि लंबा रहा तो स्त्री को ज़्यादा अपन खुश करेंगे, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि योनि में अंदर 1 इंच या 1.5 इंच तक ही सेंसेशन रहता है, उसके अंदर सेंसेशन रहता ही नहीं है। मतलब उसको पूछा कि अभी कितना है लंबाई, तो वो बोलेंगे 1 इंच या 1.5 इंच बोलेंगी, उसके उससे ज़्यादा लंबा रहा तो उसको अंदर फील होता ही नहीं। लेडी को यदि समाधान देना है, स्त्री को समाधान देना है, उसको मजाक देने का है, उसका ऑर्गेजम करवाने का है, उसकी कामपूर्ति करवाने की है, तो वो कामपूर्ति लिंग के लंबाई के ऊपर निर्भर नहीं है। उसकी कामपूर्ति करना है तो आपको एक ही काम करना है कि पहले फोर प्ले करो जो 5 से 15 मिनट चलेगा, और दूसरा क्लाइटोरिस में आप स्टिमुलेट करते हैं, क्लाइटोरिस में स्टिमुलेट करते हैं, योनि लिंग को स्टिमुलेट करते हैं 1-1.5 मिनट 2 मिनट, उससे बहुत ज़्यादा उत्तेजना आती है, और योनि के अंदर 1-1.5 इंच सेंसेशन रहता है, तो वहाँ भी उंगली से करते हैं, बहुत ज़्यादा उत्तेजना आती है, और वो बहुत खुश होके बोलेंगे कि अभी सेक्स चालू करो। और जब वो बोलती है सेक्स चालू करो, तब तो आपने सेक्स चालू करना है, तब तक करना भी नहीं है, और बाद में यदि आप सेक्स चालू करते हैं तो उसकी कामपूर्ति अच्छी तरह से हो जाएगी। तो लिंग का नॉर्मल साइज कितना होना चाहिए, 1 इंच से कम नहीं होना चाहिए, 1 इंच से ज़्यादा कितना भी रहा तो भी चलता है, कुछ उसमें खराबी नहीं है, चिंता की बात नहीं है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो, क्योंकि बहुत लोग इससे परेशान हैं। लोग पॉर्न वीडियोज़ देखते हैं, ब्लू फिल्म देखते हैं, और उसमें देखते हैं कि लिंग बहुत बड़ा लंबा है और अपना भी इतना बड़ा होना चाहिए, इसलिए वो परेशान रहते हैं। तो 1 इंच से कम नहीं होना चाहिए, लिंग का नॉर्मल साइज 1 इंच ही होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।